हेलो जी, दिस इज अमन अग्रवाल। तो यार, अगर मैं आप लोग को कहूं कि आप एप्टीट्यूड राउंड के अंदर ये टॉपिक्स कर लो, इन इन चीजों को पढ़ लो, तो आप इजीली एप्टीट्यूड राउंड क्लियर कर लोगे, तो क्या ये चीज आपको अच्छी लग रही है? तो अब काफी स्टूडेंट्स कह रहे हो कि भैया जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। तो मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही होगी एप्टीट्यूड राउंड के अंदर, कितना सारा टॉपिक्स है, इतनी सारी चीजें हमें करनी है एंड टाइम हमारे पास कम है, तो हम कैसे करें? तो ये वीडियो आप लोग के लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। एंड अगर आप लोग ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेते हो तो आप इजिली एप्टीट्यूड राउंड क्लियर कर लोगे। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो ये टॉपिक्स हमें करने ही है। अब आप लोग को जो भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, आपको पेन पेपर लेने की नीड नहीं है, बस आपको ध्यान से सुनना है। एंड आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके आपको कमेंट करना है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया, तो आपको एप्टीट्यूड कमेंट करना है। कमेंट सेक्शन के अंदर सब्सक्राइब करके आप लोग को कमेंट करना है एप्टीट्यूड, क्या करना है एप्टीट्यूड। तो आपको बस इतना काम करना है, आप लोग को मैं ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। तो अब देखते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको करके हम एप्टीट्यूड राउंड क्लियर कर लेंगे एंड उसके बाद हम अपने नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अब इसके अंदर आता है एसेंचर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का आपको वहां पे एक सब सेक्शन मिल रहा होगा, उसके अंदर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे नंबर एंड लेटर सीरीज। देखो, नंबर और लेटर सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होती है, आपसे 4 to 5 क्वेश्चन नंबर एंड लेटर सीरीज के बेसिस पे पूछे जाएंगे। ओड मैन आउट के काफी क्वेश्चन वहां पे आपको एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आपको वहां पे मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी वेट करो, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ से चीजें कवर करनी है। उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग, आप किसी भी कंपनी के एप्टीट्यूड राउंड के अंदर चले जाओ, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे आपसे 4 to 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। विजुअल रीजनिंग के भी आपसे काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो 3 to 4 क्वेश्चन हम विजुअल रीजनिंग के भी मान लेते हैं। अब आपको मैं एक चीज कहूंगा कि आपको ये टॉपिक्स, अब आप सोच रहे होगे कि भैया कहाँ से प्रिपेयर करें, तो उसके बाद आता है हमारा क्रिटिकल रीजनिंग, उसके बाद आता है वर्बल एबिलिटी। अभी मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा, बट ये पहले बता देता हूँ कि आपको ये टॉपिक्स कहाँ से कवर हो गए। तो काफी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि भैया एप्टीट्यूड के लिए भी लेके आओ, तो हमारा असेंचर एप्टीट्यूड मास्टर क्लास जो परसों 21 को लाइव होने वाली है, एप्टीट्यूड मास्टर क्लास, ये मास्टर क्लास। अब देखो, मैं आप लोगों को एक चीज कहूंगा कि अगर आप सीरियस हो असेंचर के लिए, आपको असेंचर क्रैक करना है, तो आप लोग ले लेना, अगर आप लोग को नीड नहीं है तो आप लोग मत लेना। ठीक है, अब क्योंकि काफी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन के अंदर कह देंगे कि भैया आप तो क्लास बेच रहे हो, सेशन बेच रहे हो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि ये सेशन जस्ट 49 रुपीज का है, एंड मैंने इसका प्राइस इतना मिनिमम इसलिए रखा है क्योंकि यार जिससे कि सारे के सारे स्टूडेंट्स इस सेशन को ज्वाइन कर ले। तो अब मैं आपको बताऊंगा इस सेशन के अंदर क्या चीज हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड शीट मिलेगी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट ये जितने भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, ये सारे टॉपिक्स वहां पे आपके कवर हो जाएंगे। एंड ये मास्टर क्लास, विश्वास करो मेरे पे, आपको काफी हेल्प करेगी। आप लोग खुद देखो, आप 1.5 घंटे की मास्टर क्लास होने वाली है। अब मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ कि आप 1.5 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट एप्टीट्यूड नहीं सीख सकते। कि मैं आपको कहूंगी पूरा कंप्लीट एप्टीट्यूड सीख लोगे, आप हर कंपनी का एप्टीट्यूड राउंड क्लियर कर लोगे, बट आप काफी कुछ सीख रहे होगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक्स भी शेयर करने वाले हैं एंड आपको हर टॉपिक पे क्वेश्चन कराया जाएगा। अगर आपने एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो आप उसके पैटर्न पे 10 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। तो अब बात करते हैं कि 49 रुपीज का सेशन रहने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीट्स हमारे पास 300 एंड काफी सीट्स यहाँ पे 100 सीट्स यहाँ पे बुक हो चुकी है, तो काफी कम सीट्स है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जल्दी से जाके जिसको भी नीड है आप अपना ये एप्टीट्यूड मास्टर क्लास बुक कर सकते हो, सेशन बुक कर सकते हो, एंड काफी कुछ सीखने वाले हो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। एप्टीट्यूड शीट भी आपसे आपको कराई जाएगी, ये एप्टीट्यूड शीट काफी हेल्पफुल होने वाली है, तो आपको एप्टीट्यूड शीट भी दी जाएगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक्स। अब क्रिटिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आपसे डेटा अरेंजमेंट्स, फ्लो चार्ट्स, डेटा अरेंजमेंट के काफी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि डेटा अरेंजमेंट के पूछे जा सकते हैं। फ्लो चार्ट के भी काफी क्वेश्चन होते हैं, तो 4 क्वेश्चन अप्रोक्स मान लेते हैं कि आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आर्ग्यूमेंट एंड एजम्पशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और आर्ग्यूमेंट और अजम्पशन, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हमारे से 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं एंड 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। 2024-2023 बैच के अंदर मैं आपको पहले ही बता दूं,
काफी स्टूडेंट्स को स्टेटमेंट कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट एंड एजम्पशन में प्रॉब्लम आई थी, उनको मतलब किसी स्टूडेंट्स को आता नहीं था, जिस स्टूडेंट्स को आता था उसको भी थोड़ा सा हार्ड लगा था, क्योंकि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट एंड एजम्पशन ऐसा टॉपिक होता है काफी स्टूडेंट्स गलती कराते हैं, बट बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत आसान टॉपिक है। जब तक आप लोगों ने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा तब तक आपको हार्ड लगेगा, जब आपने एक बार इसको पढ़ लिया तो आपको आसान लगेगा। इस मास्टर क्लास के अंदर हम इसकी ट्रिक्स भी बताने वाले हैं कि आपको कैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट अजम्पशन के क्वेश्चन को क्रैक करना है। बहुत ये क्वेश्चन मैं आपको अगर बताऊं ना तो 30 सेकंड्स के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस टॉपिक्स को अच्छी तरीके से आप कवर कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज, असेंचर वर्बल एबिलिटी टॉपिक्स। तो वर्बल एबिलिटी के अंदर आता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, देन आता है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आपको काफी मिलेंगे, आपको कोई स्टेटमेंट दे दिया जाएगा एंड आपको बोला जाएगा किसके अंदर जो भी एरर है वो फाइंड करो, वो डिटेक्ट करो। पैराजम्बल्स के क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल सकते हैं। रीडिंग कंप्रेशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको कहूंगा कि आपको सारा काम छोड़ के वर्बल एबिलिटी के अंदर पहले अपना रीडिंग कंप्रेशन करना है, क्योंकि इसके बेसिस पे आप एक पैसेज के बेसिस पे 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन वहां पे रहते हैं, तो एक पैसेज पढ़ के आप 5 क्वेश्चन कर सकते हो। तो ऐसे आपको 2 से 3 पैसेज मिल जाएंगे, दो पैसेज आपको एटलीस्ट मिल जाएंगे। जैसे आप लोगों ने 11th 12th के अंदर अनसिप पैसेज करे थे, बिल्कुल सेम वैसे ही रहने वाले हैं, तो पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, देन उसके बाद आप इजिली क्वेश्चन कर लोगे। अब सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स, तो यार ये तो बच्चा बच्चा कर लेगा, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी इंग्लिश सही है तो आप इजिली कर लोगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो ये कुछ टॉपिक्स थे वर्बल एबिलिटी के। उसके बाद हमने देखे अपने क्रिटिकल रीजनिंग के, उसके बाद हमने देखे अपने एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के। तो ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, अगर आप लोग देखो तो ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है। इन टॉपिक्स में आपको हार्डली 3 से 4 दिन लगने वाले अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ते हो, एंड इस एप्टीट्यूड मास्टर क्लास में आप 1.5 घंटे के अंदर काफ़ी कुछ सीख जाओगे। आप इतना सीख जाओगे कि आप इजीली असेंचर का एप्टीट्यूड राउंड क्लियर कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है, एंड अब अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करनी है एप्टीट्यूड, ये आपको कमेंट करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना एप्टीट्यूड, आपको मैं ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। एंड अभी चैनल पे काफ़ी कुछ आप लोग के लिए आने वाला है, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है, सब चीज़ फ्री आने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाली है, जो भी वीडियोस आएगी सब वीडियोस फ्री आएगी एंड काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस आएगी आप लोग के लिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो रही होगी। असेंचर के लिए नहीं, हम काफ़ी कंपनीज की आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आपको ही हेल्प होने वाली है एट दी एंड। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, एंड अगर आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे पर्सनल मेल भी कर सकते हो, आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।